आज की जो स्थिति है, अभी तक कल के बाद से कुल एक और पॉजिटिव केस मिला है। टोटल पॉजिटिव केस 61 हो गए हैं और टोटल टेस्ट जो अभी तक कंडक्ट किए हैं हम लोगों ने 6,250। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, काफ़ी सघन ट्रेसिंग का और उसके बाद ट्रैकिंग और जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई है उसका निर्देश दिया गया है और हम लोग लगातार इसको फॉलोअप कर रहे हैं। बिहार के नवादा में कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी निकला पॉजिटिव। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच बिहार में 24 घंटे बाद नवादा जिले में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद अब बिहार राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। जानकारी के मुताबिक नवादा के पहले कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाला 45 साल का व्यक्ति भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इससे पहले बिहार में कोरोना वायरस से 60 लोग संक्रमित पाए गए थे। हालांकि अब बिहार के नवादा में कोरोना वायरस से संक्रमित एक नए मरीज के मिलने के बाद अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। इससे पहले नवादा जिले में बुधवार को पहले रोगी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब शनिवार को इस मरीज के संपर्क में आने वाले 45 साल के एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिससे नवादा जिले के लोगों में दहशत है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से स्थिति को काबू में रखने की कोशिश में जुटी है। पूर्व में नवादा के एक मोहल्ले में पहला रोगी सामने आने के बाद ही इलाका को कोरोना का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। कोरोना मरीज के संपर्क में आए 3 दुकानदारों को क्वारंटाइन में रखा गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक 23 अन्य लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। इनमें कोरोना पीड़ित मरीज के परिवार, मित्र, रिश्तेदार तथा संपर्क में आए लोग शामिल हैं। बिहार के सिवान जिले में पंजवार गांव का एक व्यक्ति ओमान से 22 मार्च को अपने गांव आया था, जो कि 3 अप्रैल को जांच में वह कोरोना संक्रमित पाया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण के अब तक सिवान में सबसे अधिक 29 मामले आए हैं। मुंगेर में 7, पटना, गया और बेगूसराय में 5, गोपालगंज में 3, नालंदा में 2 और सारण, लखीसराय, भागलपुर व नवादा में 1-1 मामला प्रकाश में आ चुका है। बिहार में अब तक 8,485 कोरोना संदिग्ध सैंपल की जांच की जा चुकी है और कोरोना संक्रमित 18 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो स्थिति है, अभी तक कल के बाद से कुल एक और पॉजिटिव केस मिला है। टोटल पॉजिटिव केस 61 हो गए हैं और टोटल टेस्ट जो अभी तक कंडक्ट किए हैं हम लोगों ने 6,250। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, काफ़ी सघन ट्रेसिंग का और उसके बाद ट्रैकिंग और जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई है उसका निर्देश दिया गया है और हम लोग लगातार इसको फॉलोअप कर रहे हैं। जो हमारे आपदा राहत केंद्र हैं 150 चल रहे हैं और उनमें, जैसा मैंने बताया था, 20,436 लोग अभी पर डे के हिसाब से उसमें लोग रह रहे हैं या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो क्वारंटाइन कैंप्स हैं स्कूलों में पंचायत स्तर पर, उनकी संख्या आज 3,199 है और इनमें कुल 32,994 यानी 32,994 लोग आवासित हैं और उन्हें वहाँ पर भोजन, आवासन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे पास लगातार जो बिहार के लोग बाहर स्ट्रैंडेड हैं उनके कॉल आ रहे हैं। आज की तिथि में ये कॉल और मैसेजेस मिला के कुल लगभग 47,500 कॉल्स या मैसेजेस हम लोगों को रिसीव हुए हैं। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम से लगातार उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उनको जो सहायता की आवश्यकता है वो संबंधित स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही इन लोगों के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता
के लिए के अंतर्गत जो 1000 रुपए की राशि दी जानी थी उसमें आवेदन बढ़ के आज 8 लाख से भी थोड़े अधिक हो गए हैं और अभी तक 3,84,000 को उनके खाते में यह राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। आज 2-3 इंस्ट्रक्शंस मुख्य रूप से जो दिए गए हैं सरकार द्वारा, उसमें मार्केट एरिया पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, कैंप्स जो हमारे चल रहे हैं उसमें समुचित व्यवस्था की जाए, और स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि हर तरह से दवा की, इक्विपमेंट्स की समुचित व्यवस्था हो, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, डॉक्टर्स को प्रॉपर जो प्रोटेक्शन किट्स हैं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, तो ये सारी व्यवस्था हो रही है। इसके अलावा जो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों के राहत कैंप चल रहे हैं वो 12 शहरों में आज उनकी संख्या बढ़ के 44 हो गई है, और इनमें अभी तक जो कुल बेनिफिशरीज़ हैं वो 4,72,492 4,72,492 इतने लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।